वहीं दूसरी ओर शिक्षक दिवस का बहिष्कार कर शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षक एवं कर्मचारी संगठन के बैनर तले अपनी 6 सूत्रीय मांग को लेकर दिया 1 दिवसीय धरना। शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षक एवं कर्मचारी संगठन के बैनर तले सोमवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक व कर्मचारी अपनी 6 सूत्रीय मांग को लेकर दुर्ग के हिंदी भवन के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए और कहा कि प्रदेश के अनुदान प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक कर्मचारियों को भी पेंशन लागू किए जाने सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर सभी शिक्षक व कर्मचारी शिक्षक दिवस का बहिष्कार कर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं संगठन के पदाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा एक भी जायज मांगों का वर्तमान तक निराकरण नहीं किए जाने से संगठन द्वारा मजबूरी में अध्यक्ष बहिष्कार करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में न्यूज टीम को संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जिला शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संगठन आज अपने 1 दिवसीय हड़ताल पे यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। ये बड़ी शर्म की बात है शासन के लिए। आज शिक्षक दिवस के दिन हम आज हड़ताल पे बैठे हुए हैं क्योंकि शासन ने हमारी विगत कई मांग है जिसको आज तक नकारते आ रही है। विशिष्ट प्रदर्शन के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसे शिक्षा कर्मियों साथियों का समतुल्य वेतनमान है, इनको 2 वर्ष सेवा अवधि पूर्ण करने के बाद इनको नियमित वेतनमान प्रदान नहीं किया जा रहा है, जबकि नगरीय और पंचायत शिक्षा कर्मियों को दिया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार 2014 से अनुदान प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती रोक दी गई है, जिससे हर स्कूल की हालत खराब है और शिक्षा सही ढंग से प्रसारित नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से सभी संस्थाओं पर पेंशन नियमित रूप से लागू किया गया है। शासन से हमारी यही मांग है कि अनुदान प्राप्त शिक्षक कर्मचारियों के लिए भी गोल्ड पेंशन यहाँ भी लागू की जाए। इसी सारी बातों को लेकर आज हम शिक्षक दिवस का बहिष्कार करके हम यहाँ धरना प्रदर्शन रूप में बैठे हैं और शासन से ये मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हमारी मांग को शीघ्र निराकरण करें। इसी के उद्देश्य से हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन उपस्थित हुए। ग्रैंड एसए न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।